हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ बसंत बरेट, फायर सेफ्टी ट्रेनर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, हर बार की तरह आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोग के पास आया हूं। जैसा कि फ्रेंड हमारे यूट्यूब चैनल में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने माइनर फायर फाइटिंग के लिए हमारे एक्सटिंग्यूशर का तो वीडियो आपने बना लिया है, लेकिन जो हमारे मेजर फायर टेंडर होते हैं वो किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन क्या होता है, और जो हमारे फायर फाइटर होते हैं, जो हमारे ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर होते हैं, इनके क्या ड्यूटीज़ होते हैं, हमारे फायर टेंडर किस तरीके से ऑपरेट होता है, इस पे भी एक वीडियो बनाया जाए। सो फ्रेंड, आज हम इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे फायर टेंडर की जो गाड़ियां होती है वो किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, और यहाँ पे हमारे जो अलग अलग जो पर्सन होते हैं, लाइक आप बोल सकते हैं DCPO, जिसे हम ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कहते हैं, इनके क्या ड्यूटीज़ होते हैं, हमारे फायरमैन कौन हो सकता है, और इनके साथ साथ इनके जो वर्किंग होते हैं, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। और स्पेशली मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो आज हमारे किसी न किसी कंपनी के लिए अपने आप को फायर सेफ्टी ऑफिसर की पढ़ाई पे लगाए हुए हैं, उनके लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम इन सभी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, कई लोगों के मन में ये होता है फ्रेंड कि हमारी जो फायर टेंडर की जो गाड़ियाँ होती है वो जब भी कहीं पे फायर एक्सटिंग्यूश करने के लिए जब जाती है तो पहले ये क्या होते हैं, पहले वो अपने आप को एक जगह पे उनको पोजीशन किए जाते हैं, एंड देन फिर हमारा जो फायर फाइटिंग है वो स्टार्ट होता है। ऐसे बहुत सारे मन में ये सवाल बन रहे होंगे कि क्यों ना हम फायर फाइटिंग जो है हमारी गाड़ी चलती रहे और एक तरफ से हम फायर फाइटिंग करते रहें। बट फ्रेंड, आज मैं कुछ टेक्निकल वर्ड्स में आपको समझाने वाला हूं कि वो चीजें पॉसिबल है कि नहीं है, और किस लेवल तक आप अपने फायर टेंडर की गाड़ी को यूज कर सकते हैं। बात अगर हम करें फ्रेंड कि हमारा जो फायर टेंडर की जो गाड़ियां होती है, बेसिकली इसमें दो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। मैं अभी आपको पूरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ यहां पे बताने वाला हूं। फर्स्ट तो बात करते हैं फ्रेंड, हमारी जितनी भी गाड़ियां होती हैं जनरली उसमें सिंगल मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब सिंगल मोटर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया जाता है कि हमने क्या किया, न्यूट्रल पे हमने गाड़ी स्टार्टअप किया, हमने गियर लगाया, और गियर लगाने के बाद जब हम अपना गियर 1, 2, 3 जिस तरीके से जब हम उसमें क्या करते हैं, जब उसको बढ़ाते जाते हैं, तब क्या होता है कि हमारी गाड़ियाँ धीरे 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 जो है अपने स्पीडअप लेती जाती है। यहाँ पर हमारे लिए क्या है कि अगर सपोज हमें इस फायर फाइटिंग जो सेंट्रीफ्यूगल पंप आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर मुझे यहाँ पे फायर फाइटिंग करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं अपनी गाड़ी को अभी प्राइमरी फोर्स से, मैं इसके सेकेंडरी जो मोटर है उस पर मैं पूरा का पूरा फोर्स देने वाला हूँ, जो अभी मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में आपको मैं बताऊँगा, जो मेरा DCPO ये करके दिखाने वाला है। आप क्या देखेंगे कि पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्राइमरी मोटर है हम पूरा का पूरा फोर्स को वहाँ से डाइवर्ट कर देंगे हमारे सेकेंडरी मोटर में। अब ये सेकेंडरी मोटर में पूरा का पूरा फोर्स को डाइवर्ट करने का काम कौन करता है, तो यहाँ पे हम एक सिस्टम आपको यहाँ पे बताएंगे जिसका नाम है PTO, उसे हम पावर टेक ऑफ कहते हैं, जिसकी मदद से हम प्राइमरी मोटर से कम्प्लीटली सेकेंडरी मोटर को फोर्स पे लाने वाले हैं। एंड देन क्या होगा, शाफ्ट की मदद से, अभी मैं आपको यहाँ पे शाफ्ट भी देखेंगे, उस शाफ्ट की मदद से हमारा कम्प्लीट जो सेटअप है वो प्राइमरी मोटर से हमारे इस सेंट्रीफ्यूगल पंप में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग से हमारा यहाँ से जो डिलीवरी होस का जो आउटलेट वॉल्व है यहाँ से हम पानी डिस्चार्ज कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं, और किस तरीके से इसमें हम फायर फाइटिंग करेंगे वो भी चलिए आइए हम अभी देखेंगे। ओके फ्रेंड, तो अभी जैसा कि हमने पीछे बात किया कि किस तरीके से हमारे जो मोटर होते हैं प्राइमरी मोटर से हमारा सेकेंडरी मोटर फोर्स में आता है, अभी हमने हमारे DCPO की मदद से हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है, बट अभी अगर हम गाड़ी को अगर गियर देते हैं तो हमारी गाड़ी जो है आगे बढ़ने लगेगी, या तो अगर हम रिवर्स गियर पे पीछे ले जा सकते हैं। बट यहाँ पे मैं अभी PTO को चेंज करने वाला हूँ। PTO को मैं जैसे ही चेंज करूँगा, अभी क्या होगा, हमारे मोटर जो प्राइमरी मोटर है वहाँ से पूरा का पूरा फोर्स जो है सेकेंडरी मोटर में आ जाएगा, जिससे हमारी सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम इस PTO को सेकेंडरी मोटर में डाइवर्ट करते हैं। अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ये अभी हमने क्या कर दिया, ये हमारा सेकेंडरी मोटर में अब ये कन्वर्ट हो गया है। अभी अब जब यहाँ से हम एक्सीलेटर देंगे तो हमारा सेकेंडरी मोटर जो है वो ऑन हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरफ, और हम देखेंगे कि अब जो है हमारी गाड़ी आगे पीछे नहीं बढ़ेगी, अब हमारी गाड़ी का जो सेकेंडरी मोटर है सेंट्रीफ्यूगल पंप वो किस तरीके से पानी को डिस्चार्ज करेगा। तो चलते हैं हमारे पंप की ओर।
सो फ्रेंड, अभी आप लोगों ने जैसे देखा कि हमने प्राइमरी मोटर से फोर्स को सेकेंडरी मोटर, जो कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उस पर हमने अभी कन्वर्ट किया है। अब हमारा जो फायर टेंडर है वो कंप्लीटली वाटर डिस्चार्ज करने के लिए रेडी है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे किस तरीके से जो हमारे डिलीवरी होज होते हैं उसको कनेक्ट किया जाता है और हमारा जो फायर फाइटर के जो पोजिशन होते हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो फायर फाइटर जो होते हैं इनका एक पूरा ग्रुप होता है, एक क्रू मेंबर होते हैं जो मोस्टली हमारे 3% के साथ 6% के साथ आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे 3 लोगों की जो ग्रुप होगी, 5 लोगों की जो ग्रुप होगी, 6 लोगों का पूरा क्रू मेंबर होगा, उनके क्या यहाँ पे एक्टिविटी हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने अपने आपको स्कॉट पोजिशन पे यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, आपके सामने एक डिलीवरी होस्ट कुछ इस तरीके का हो सकता है, तो आप अपने आप को स्कॉट पोजिशन पे लाएंगे, देन लेफ्ट पैर को आपने सामने लाया और आपकी पूरी जो नज़र है वो आपके डिलीवरी होस्ट में होना चाहिए। तो हम अगेन क्या करेंगे, हमने यहाँ पे पैर फ्रंट पे लाया लेफ्ट पैर को और हमने क्या किया, ये पैर हमने लगाया, हाथ लगाया यहाँ पे, और हाथ लगाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो हैंड है वो यहाँ पे नीचे गया और हमने इसको इस तरीके से उठाने के बाद ये जो हाथ है यहाँ वाले पोजीशन से हट के ये चला जाएगा यहाँ पे, और जो आपका राइट हैंड है वो आपका आ जाएगा वापस पोजीशन पे और आप आ जाएंगे अपने इस वे पोजीशन पे, आप यहाँ पे आ जाएंगे। एंड देन मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पे मेरा हाथ का जो पोजीशन है वो मेरा जो राइट हैंड है वो मेरे चेस्ट के पास आएगा और यहाँ से मैं जो है दौड़ते हुए मैं अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप के पास जाऊंगा जहां पे मैं अपने डिलीवरी होस को कनेक्ट करने वाला हूं। अब आप यहां से अपने आप को पोजीशन जो है, अगेन आप अपने लेफ्ट जो पैर है आप उससे अपना स्टार्टअप करेंगे, रन करते हुए आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप तक जाना है। आप कैसे दौड़ के जाएंगे, अब आपको यहां से ये आपने अपना पोजीशन ले लिया, अगेन आप यहां पे अपना लेफ्ट पैर को सामने रखेंगे, अगेन ये हमने किया, यस ये आप जो देखिएगा, और आपके जो हाथ में अभी हमने क्या किया है, हमने अपने पूरे डिलीवरी होस को अपने थाई की सपोर्ट में हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें जो अपना हाथ का पोजीशन है वो हम उसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाएंगे और इस तरीके से बनाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको हम यहाँ पे पुश करेंगे, ये हमने पुश कर दिया, ये आपको पहले कर लेना है। एंड देन अभी आपके बॉडी को यहाँ से मूव करना है, लेकिन आपको अपना पूरा थाई का सपोर्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे फीमेल कपलिंग है उसके लग्स को अपने दोनों हाथ से पकड़ के आपको पूरे बॉडी को रोटेट करना है। वो कैसे करना है, तो सबसे पहले आपका राइट हैंड यहाँ पे जाएगा और ये मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने लेफ्ट हैंड से इसके लग्स को पकड़ के मैं यहाँ से अपना पूरा बॉडी को मूव करा लिया। अब हम यहाँ से जंप करते हुए दौड़ते हुए आगे हम बढ़ेंगे और इसको इसको खोलते हुए हमें आगे बढ़ना है। यस, ये आप देख रहे हैं फ्रेंड, इस तरीके से हम यहाँ पे जाएंगे और जब हमारा फर्स्ट डिलीवरी होस यहाँ तक आ गया है, अब आपको लग रहा है कि मुझे बस एक ही डिलीवरी होस से सामने जो मेरी फायर फाइटर का जो फायर स्पॉट है वहाँ तक मैं आसानी से एक डिलीवरी होस से मैं यहाँ पे फायर फाइटिंग कर सकता हूँ। अब यहाँ से क्या होगा, आप जो है अपना शॉर्ट ब्रांच जो आपके पास है या डिफ्यूज़र ब्रांच है, लंदन पैटर्न का ब्रांच है, हमारे पास फ्रेंड बहुत सारे ब्रांच नोज़ल आते हैं, तो आप किसी भी ब्रांच या नोज़ल का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, फायर फाइटिंग कर सकते हैं। और अभी हमारा जो सेकंड जो पर्सन है वो आपको एक शॉर्ट ब्रांच अभी आपको प्रोवाइड कराएगा, आप उसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यस, तो आपका जो पोजीशन रहेगा, हमारा जो नेक्स्ट पर्सन रहेगा वो हमें यहाँ से शॉर्ट ब्रांच प्रोवाइड कराएंगे और इसको हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे इसको आप देखेंगे। ये हमारे हाथ में आया और इसको आने के बाद हमने क्या किया, पुशअप किया, पुशअप करने के बाद ये मैंने अपना पोजीशन लिया, अगेन मैंने यहाँ से अपना पोजीशन लिया और ये मेरी जो पोजीशन है ये मैंने अपना पूरा पोजीशन ले लिया। यस, अब क्या होगा, हम यहाँ पे फायर फाइटिंग करने के लिए रेडी हैं। सो अभी हम अभी देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे पानी जो है वाटर जो है डिस्चार्ज होगा। अभी आप देखेंगे हमारा जो है पानी चालू हो चुका है और हम इस तरीके से फायर फाइटिंग यहाँ पे कर सकते हैं।